दिवाली के बाद बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आई है, जिसे सुनकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। खबर है कि बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ का निधन हो गया है। इस खबर ने सिनेमा जगत के सितारों, फिल्मकारों के साथ साथ फैंस को भी हैरान कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस्माइल श्रॉफ काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उनको मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 62 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। इस्माइल श्रॉफ को लेकर जानकारी मिली है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ये भी खबर है कि ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनकी मौत हुई है। इस्माइल श्रॉफ आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इस्माइल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। शुरुआती समय में उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और फिर खुद फिल्में बनाना शुरू कर दिया। इस्माइल श्रॉफ ने 80s और 90s की कई सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट किया। उनकी बेस्ट मूवीज में आहिस्ता आहिस्ता, बुलंदी, थोड़ी सी बेवफाई, सूर्या जैसी फिल्में शामिल हैं। उनका रियल नेम एस वी इस्माइल था, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें इस्माइल श्रॉफ के नाम से ही जाना जाता था। इस्माइल श्रॉफ के निधन से कई बॉलीवुड सितारे सदमे में हैं। गोविंदा ने भी उनकी मौत पर दुख जताया है। गोविंदा की डेब्यू फिल्म लव 86 इस्माइल श्रॉफ ने ही डायरेक्ट की थी। अब उनके निधन पर ई टाइम्स से बात करते हुए गोविंदा ने दुख जाहिर करते हुए कहा, मैं बहुत उदास हूँ, मेरे करियर की शुरुआत उन्हीं के साथ हुई थी, ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे। गोविंदा ने आगे कहा, उन्होंने मुझे सिर्फ काम ही नहीं दिया था, उन्होंने मुझ पर भरोसा भी किया। वो मेरी जिंदगी के पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था गोविंदा को सिनेमा की समझ है, मुझे गोविंदा बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। इस्माइल श्रॉफ ने गोविंदा के अलावा बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारों के साथ काम किया। वो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, राजकुमार संग फिल्में बना चुके हैं। शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरे संग भी उन्होंने काम किया है। इस्माइल श्रॉफ ने हिंदी सिनेमा को कई शानदार फिल्में दी हैं। आज उनके निधन से बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया है। हर कोई उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।